प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक मैसेज आ गया है, ट्वीट आ गया है नगरोटा एनकाउंटर पर। उन्होंने बताया है कि 4 आतंकवादियों को मार गिराया और उनके मंसूबों को नेस्तनाबूद कर दिया। ये कहना है प्रधानमंत्री जी का अपने ट्वीट में। उन्होंने ये कह दिया है कि ये एक बड़े साजिश को अंजाम देने के मंसूबों से आए थे, जो कि सुरक्षा बलों द्वारा विफल कर दिया गया है। लेकिन फ़िलहाल क्या है, पूरा ट्वीट मैं आप लोगों को पढ़कर बता दूं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, कल मैंने अपने वीडियो में कल सुबह ही आप लोगों को बता दिया था किस तरह से नगरोटा एनकाउंटर को अंजाम दिया गया था। सुरक्षा बलों द्वारा 4 आतंकवादियों को मार गिराया था, उनके पास से भारी मात्रा में आर्म्स एंड अम्यूनिशन मिले थे, इवन RDX भी मिला था उनके पास, 11 AK-47 और 29 बॉम्ब और RDX जब्त की गई थी सुरक्षा बलों द्वारा। लेकिन फिलहाल नरेंद्र मोदी जी का एक ट्वीट आ गया है, एक देश के नाम संदेश आ गया है, जिसमें ये बता रहे हैं कि जिस इंसिडेंट को कल ये प्लान करके आए थे उसको सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया है। तो क्या है पूरा ट्वीट मैं आप लोगों को बता दूँ, नगरोटा एनकाउंटर न्यूट्रलाइजिंग ऑफ 4 टेररिस्ट बिलोंगिंग टू पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश ए मोहम्मद एंड द प्रेजेंस ऑफ लार्ज कैश ऑफ वेपन्स एंड एक्सप्लोजिव विद देम इंडिकेट्स दैट देयर एफर्ट्स टू रैक मेजर हैवॉक एंड डिस्ट्रक्शन हैव वंस अगेन बीन थ्वार्टेड बाय इंडियन फोर्सेस। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, ये कल सोर्सेस के मुताबिक खबर निकल कर आ रही थी कि जिस तरह से आर्म्स एंड एम्यूनिशन मिले थे इन 4 आतंकवादियों के पास से, ये लग रहा था कि ये किसी बड़े ही अटैक को अंजाम देने आए थे, 26/11 जैसा इनका प्लान था, क्योंकि सैटेलाइट फोन्स भी इनके पास से बरामद हुए। लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट आ गया है देश के नाम और नगरोटा एनकाउंटर पर। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।